आज ही कहानी ऐसी शर्मनाक और बेरहम वाली है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कोई इंसान जानवर से भी बदतर अपने ही गर्लफ्रेंड का कत्ल करके उसके टुकड़े करता और कुत्तों को खिलाता था। यह कहानी है रूम नंबर 704 की, जो कि आज तक अनसुलझी है क्योंकि पुलिस के पास सबूत रहते हुए भी उसे पूरी तरह से दोषी करार नहीं दिया गया। आखिर क्या है रूम नंबर 704 की कहानी? बात है 4 जून 2023 मीरा रोड मुंबई की। मुंबई के मीरा रोड में मौजूद एक सोसाइटी गीता आकाशदीप बिल्डिंग में 4 जून की सुबह अचानक से पड़ोसियों को बहुत ही तेज बदबू आने लगी। यह बदबू इस बिल्डिंग के 7वें मंजिल से आ रही थी। पूरे फैले हुए इस बदबू की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। इस बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर 4 फ्लैट थे, फ्लैट नंबर 701, 702, 703 और 704। फ्लैट नंबर 701, 702 और 703 में 3 फैमिली रहते थे। यह सभी एक दूसरे से घुले मिले थे और इनकी रोजाना बातचीत भी होती थी, लेकिन फ्लैट नंबर 704 में रहने वाला परिवार थोड़ा अजीब था। इस परिवार में 2 ही लोग रहते थे, मनोज साने जिसकी उम्र 56 साल थी और उसकी गर्लफ्रेंड सरस्वती वैद्य जिसकी उम्र 34 साल थी। अब मैं यहाँ गर्लफ्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों की शादी नहीं हुई थी। दोनों एक ही साथ एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, पर इन दोनों से जुड़ी एक बात थी कि बाकी लोगों से कटे हुए थे। ना ही ये लोग बिल्डिंग के दूसरे लोगों से बातचीत करते और ना ही सोसाइटी के किसी भी फंक्शन का हिस्सा बनते थे। बिल्डिंग के लोगों को भी इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनको लगता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। 5 जून यानी अगले दिन बिल्डिंग से आने वाली बदबू और तेज हुई, जिससे परेशान होकर फ्लैट नंबर 702 में रहने वाले श्रीवास्तव फैमिली अपने पूरी घर की सफाई की। उन्होंने सोचा कि शायद घर के किसी कोने में चूहा मर गया है जिससे यह बदबू आ रही है, पर उन्हें अपने घर में कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बाकी 2 फैमिली जो रूम नंबर 701 और 703 में रहते थे उनसे भी अपने घर में देखने को कहा कि उनके घर में कुछ नहीं है। इसके अलावा बिल्डिंग के टेरिस्ट पर भी देखा, पर किसी को कुछ नहीं मिला जिससे ये बदबू आ सके। अब बचा था तो सिर्फ रूम नंबर 704। लोगों को अब शक हो गया था कि हो ना हो ये बदबू फ्लैट नंबर 704 से ही आ रही थी, पर इस फ्लैट में रहने वाला परिवार किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, इसलिए पड़ोसियों को ये पता लगाना मुश्किल था कि आखिर इस बदबू की वजह क्या है। लगभग 2 दिन बीत गए थे और 7th फ्लोर की यह बदबू काफी बढ़ गया था, जिससे इस फ्लोर पर रहने वाले फैमिली बहुत ही परेशान हो गए थे। इसी बीच कुछ पड़ोसियों ने यह भी नोटिस किया कि यह बदबू सुबह और शाम के वक्त कम होती है और दोपहर में जब मनोज घर में नहीं रहता तो ये काफी ज्यादा तेज हो जाता है। इसके अलावा पड़ोसी ने भी कुछ दिनों से सरस्वती को नहीं देखा और ना ही इस घर में किसी तरह की हलचल थी, जिससे पड़ोसी को शक होने लगा कि शायद इस घर में कुछ गड़बड़ है। 2 दिन बाद यानी 6 जून की रात में बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। सोसाइटी के कई लोगों ने यह शिकायत की कि बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है और उनके पाइप जाम हो चुके हैं। इसके अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पड़ोसियों का शक अब डर में तब्दील हो गया। 7 जून के दिन दोपहर के वक्त श्रीवास्तव फैमिली का बड़ा बेटा सोमेश जब लंच टाइम पर घर आया तो रूम नंबर 704 के दरवाजे से उसे बहुत ही तेज बदबू आई। इससे परेशान होकर उसने मनोज से बात करने के लिए दरवाजा ठकठकाना शुरू कर दिया, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सोमेश को अचानक उस घर के अंदर से किसी को स्प्रे मारने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद बाहर लॉन में रूम स्प्रे की खुशबू आने लगी। इसके बाद सोमेश एक बार फिर दरवाजा खटखटाता है। तकरीबन 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी ना ही किसी ने अंदर से आवाज दी और ना ही दरवाजा खोला। मनीष का शक अब हकीकत में तब्दील हो गया और वह तुरंत इस बात की शिकायत करने के लिए बिल्डिंग के नीचे सेक्रेटरी के पास पहुंचा। सोमेश के नीचे पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद उसने देखा कि मनोज हाथ में बैग लिए बड़े ही जल्दबाजी में बिल्डिंग से बाहर जा रहा था। उसे देखते ही सोमेश ने उसे रोक कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से आपके रूम से बदबू आ रही है, शायद किसी खिड़की में चूहा या बिल्ली मर गया होगा। अगर मनोज को कोई दिक्कत ना हो तो वह अपने रूम चल कर देखें कि बदबू की असल वजह क्या है। यह सुनते ही मनोज काफी घबरा गया। फिर मनोज ने कहा कि उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, वह जब रात में घर वापस लौटेगा तो वह खुद ही घर में छानबीन करेगा, और इतना कहकर मनोज वहां से चला जाता है। मनोज को डरा हुआ देखकर सोमेश का शक अब और भी पुख्ता हो गया था। उन्होंने तुरंत ही बिल्डिंग के सेक्रेटरी को पूरी कहानी बताई। इसके बाद बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने नया नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की और पुलिस को इस घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत गीता आकाशदीप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रूम नंबर 704 में पहुंचती है। फ्लैट के अंदर घुसते ही पुलिस को जो बदबू आई उसे वहां मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर तुरंत ही समझ गए कि आखिर बदबू किस चीज की है। सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि दरवाजा खुलते ही उन्हें अंदर में डेड बॉडी देखने को मिलेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरवाजा खुलते ही किसी चीज की सड़ने की बदबू आ रही थी। यह बदबू इतनी भयानक थी कि कई पुलिस ऑफिसर तुरंत ही उस रूम से बाहर निकलकर उल्टी करने लगे। पुलिस ने तुरंत ही इस फ्लैट के हर एक कोने से छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले इस फ्लैट के बाथरूम को चेक किया
वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिससे बदबू आ सके। इसके बाद पुलिस फ्लैट के बेडरूम की तरफ बढ़ी, पर वहाँ भी तलाशी करते हुए पुलिस को कुछ नहीं मिला। पर उन्होंने बेडरूम में एक बड़ा ट्री कटर, एक छोटा टाइल कटर, फर्श पर पड़ी नीलगिरी की 5 बोतल और होम फ्रेशनर के 2 बोतल मिले। इसके अलावा किसी औरत की चोटी कटी हुई बेड पर मिली। अब बस घर की किचन की तलाशी बची हुई थी और पुलिस के हाथ अभी कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिला था। पर जैसे ही पुलिस घर के किचन में घुसी तो वहां सबसे ज्यादा बदबू आने लगी, जिससे सभी यह समझ गए कि बॉडी किचन में ही है। इसके बाद पुलिस ने फ्रिज और ड्रॉवर को एक एक करके खोलना शुरू किया, पर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। तलाशी करते वक्त पुलिस ने देखा कि किचन पर एक पेन रखा हुआ था और बगल पर ही एक कुकर और कुछ चम्मच और चाकू रखे हुए थे। ध्यान से देखने पर पुलिस ने पाया कि उस पेन पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे, जिसे देखने से पता चल रहा था कि मांस के इन टुकड़ों को पकाया गया था। पास के पड़े हुए चाकू और चम्मच पर भी ऐसे ही मांस के टुकड़े चिपके हुए थे और बगल में एक कुकर भी रखा हुआ था। पुलिस ने जब पास के कुकर को खोला तो उनमें कुछ मांस के टुकड़े मिले जिन्हें उबालकर पकाया गया था। जब सभी पुलिस वाले इस मांस के टुकड़े को देखकर सोच में पड़ गए थे तो तभी एक ऑफिसर की नज़र किचन के कोने में रखे 3 बाल्टियों पर पड़ी, जिन्हें ऊपर से ढक कर रखा हुआ था। इन बाल्टियों के ढक्कन को हटाकर देखा तो वहां मौजूद सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि तीनों बाल्टियां खून से भरी हुई थी और तीनों बाल्टियों में मांस के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। पहले 2 बाल्टियों को खोलने के बाद पुलिस को कुछ पता नहीं चला कि यह टुकड़े किस चीज के हैं, पर जैसे ही उन्होंने 3रा बाल्टी खोला तो उनमें पुलिस को एक कटे हुए पैर के हिस्से मिले। यह देखते ही सभी समझ गए थे कि बेडरूम में पड़े हुए बालों की चोटी और किचन में पड़े हुए मांस के टुकड़े और किसी की नहीं बल्कि इस फ्लैट में रहने वाली सरस्वती वैद्य की है, क्योंकि पिछले कई दिनों से किसी ने भी उसे नहीं देखा था। पुलिस ने तुरंत ही फोरेंसिक वालों को इन टुकड़ों की जाँच के लिए सर जे हॉस्पिटल भेज दिया। अब पुलिस इस फ्लैट में रुक कर मनोज साने का इंतजार करने लगे और जब शाम के वक्त मनोज घर वापस आया तो पुलिस को देख कर वह तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर उसके नीचे पहुंचते ही बिल्डिंग के लोगों ने उसे दबोच लिया, क्योंकि तब तक पूरी बिल्डिंग में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि फ्लैट नंबर 704 में एक औरत का कत्ल हुआ है। मनोज को गिरफ्तार कर लेने के बाद अब पुलिस ने मनोज से सवाल जवाब करना शुरू किया, पर मनोज अलग अलग बयान देकर पुलिस को गुमराह करने लगा। उसने पुलिस को बताते हुए कहा कि वह कुछ सालों से राशन की दुकान में काम कर रहा था, पर 29 मई को उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से घर में तनाव बढ़ने लगे और इसी वजह से मनोज और सरस्वती के बीच रोजाना झगड़ा होता था, जिसके चलते सरस्वती ने 3 जून की सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जब मनोज ने देखा कि सरस्वती ने आत्महत्या कर ली तो वह काफी डर गया और कहीं उस पर सरस्वती का कत्ल का इल्जाम न लग जाए, इसी बात से घबराकर उसने यह तय किया कि सरस्वती की बॉडी को टुकड़ों में कट कर डिस्पोज कर देगा ताकि किसी को इस बात का पता न चले। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह सरस्वती के बॉडी को डिस्पोज करने के बाद वह खुद भी आत्महत्या करने वाला था। मनोज के इस बयान के बाद पुलिस को अब भी मनोज के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि मौका वारदात पर पुलिस को जितने भी सबूत मिले थे वह किसी भी तरह से मनोज के बताए हुए कहानी से मिलजुल नहीं खा रहे थे। मनोज का फोन चेक करने के बाद पुलिस को उसके सर्च हिस्ट्री में कत्ल और बॉडी डिस्पोज करने से जुड़े बहुत से सर्च मिले थे। पुलिस को मनोज के घर से कीटनाशक मिला था, जिसे मनोज ने बोरीवाली की एक दुकान से खरीदा था। इस दुकान के रजिस्टर में बेचे गए कीटनाशक का नाम और बैच नंबर भी मनोज के फ्लैट से जब्त हुए कीटनाशक से मैच खा रहा था। इसके अलावा पुलिस को नीलगिरी के 5 बोतल मिले और एयर फ्रेशनर के 2 बोतल मिले थे, जिसे मनोज ने मीरा रोड के एक ही दुकान में खरीदा था। मनोज ने इसी दुकान से उस दिन बटर मिल्क भी लिया था, जिसका इस्तेमाल मनोज ने आगे चलकर जहर मिलाने के लिए किया। यह सभी सबूत मनोज के सामने रखकर पुलिस ने शक्ति बनाते हुए मनोज से पूछताछ किया, तो इस बार मनोज ने पुलिस को पूरी कहानी बताते हुए एक बयान दिया। इस बार उसने पुलिस को बताते हुए कहा कि वह खुद एक अनाथ था और वो राशन दुकान में काम करता था। उसकी मुलाकात सरस्वती से हुई थी। सरस्वती वैद भी एक अनाथ थी और ये दोनों अहमदनगर के रहने वाले थे। एक ही जिले के होने की वजह से इनके बीच बातचीत बढ़ने लगी और इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। इन दोनों की उम्र में तकरीबन 20 साल का फर्क था। इसके बावजूद भी साल 2015 में इन दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और तब से ये दोनों मीरा रोड के इसी फ्लैट में रहते थे। पिछले कुछ महीनों से मनोज और सरस्वती के बीच काफी झगड़े होने लगे थे और जब मनोज को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया तो आर्थिक तंगी की वजह से इनके बीच के झगड़े और भी बढ़ गए। इन सारी बातों के अलावा सरस्वती मनोज पर हमेशा शक करती थी। उसे हर छोटे छोटे बातों पर सवाल जवाब करने लगती थी। इन सारी बातों के चलते मनोज सरस्वती से काफी परेशान हो चुका था और गुस्से में आकर उसने यह तय किया कि वह सरस्वती से छुटकारा पाने के लिए उसे जान से मार देगा। मनोज ने अपने बयान में पुलिस को यह भी बताया कि उसने बटर मिल्क में कीटनाशक डालकर सरस्वती को पिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पर मनोज को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए, इसीलिए उसने इंटरनेट पर अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू किया और ऐसे ही उसे एक दिन सर्च करते वक्त श्रद्धा वालकर केस के बारे में पता चला। इस केस में अपराधी आफ्ताब पूनावाला ने अपने गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर का कत्ल करके उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दिया था।
इस केस के बारे में पढ़ते ही मनोज यह तय कर लिया था कि वह सरस्वती का बॉडी टुकड़े करके उसके ठिकाने लगा देगा। पर 56 साल का मनोज ने यह सोच लिया था कि वह अपता पुनेवाला जैसे गलती दोबारा नहीं करेगा। वह इस बार एक कदम आगे जाकर इस पूरी घटना को अंजाम देगा। उसने पहले ट्री कटर से सरस्वती के बॉडी को काट कर अलग कर दिया और फिर एक टाइल कटर की मदद से पूरे बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसने इन सब टुकड़ों को पानी से भरे बाल्टी में रख दिया ताकि मांस के अंदर से खून अलग हो जाए। अब इन सारे बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए मनोज रोज थोड़े थोड़े करके इन टुकड़ों पर नीलगिरी का तेल लगाता जिससे आने वाली बदबू कम हो जाती थी। वह पहले उन टुकड़ों को कुकर में उबालता था और फिर टुकड़ों को तवे में भूनकर अच्छे से पका दिया करता था। इसके बाद वह इन पके हुए टुकड़ों को एक थैली में भरता था और रोज रात बिल्डिंग के आसपास के कुत्तों को खिला दिया करता था। डेड बॉडी की बदबू ज्यादा फैले नहीं इसलिए वह समय समय पर अपने पूरे घर में होम फ्रेशनर मारा करता था। इस तरह मनोज ने सरस्वती की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कुछ पार्ट्स कुत्तों को खिलाए, कुछ पार्ट्स बिल्डिंग के आसपास मौजूद अलग अलग नालों में फेंक दिया और कुछ पार्ट्स उसने अपने कमोड में फ्लश कर दिया जिससे बिल्डिंग के पाइप जाम हो गए थे। और इसी प्रॉब्लम पर बिल्डिंग के लोगों ने भी कंप्लेंट किया था कि बिल्डिंग के ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। पर इससे पहले कि मनोज इस पूरी वारदात को अंजाम दे पाता, उसके पड़ोसियों को घर से आने वाली बदबू के चलते घटना की भनक लग गई थी और वक्त रहते ही मनोज साने पुलिस के गिरफ्त में आ गया। तो ये थी इस केस की पूरी कहानी। अब बात करते हैं इस केस के उस पहलू की जो शायद आज तक सबसे पेचीदा और कभी ना सॉल्व होने वाला केस बना देता। कानून के मुताबिक किसी भी कत्ल को साबित करने के लिए डेड बॉडी का होना बेहद जरूरी होता है, पर क्योंकि इस केस में बॉडी बची ही नहीं इसलिए पोस्टमार्टम करके ये पता लगाना नामुमकिन था कि सरस्वती बैद ने वाकई में खुदकुशी की थी या फिर मनोज ने जहर देकर या किसी दूसरे तरीके से उसका कत्ल किया था। अब भले ही मनोज ने अपने बयान में यह कबूल कर लिया था कि उसने सरस्वती का कत्ल किया है, पर इस बयान पर भी हमारा कानून उसे कातिल नहीं ठहरा सकता क्योंकि मनोज आए दिन अपना बयान बदलते रहता है। और पुख्ता सबूत ना होने की वजह से यह भी हो सकता है कि मनोज को जब अदालत में पेश किया जाए तो वह सुनवाई के वक्त अपना बयान बदल दे। इस तरह मनोज ने बेहद शातिर तरीके से एक ऐसी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया जिसे सुलझा पाना आज तक नामुमकिन सा है। मनोज साने अभी पुलिस कस्टडी में है और कोर्ट में ये केस अभी भी चल रहा है, पर शायद अपने चालाक दिमाग और बेहद शातिर प्लानिंग के चलते मनोज साने को हमारा कानून कभी भी कातिल साबित नहीं कर पाएगा और डेड बॉडी को डिस्पोज करने के बाद उसे महज कुछ सालों की ही सजा के बाद रिहाई मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी रूम नंबर 704 में कत्ल की पूरी कहानी। अब मिलते हैं एक और नए कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।